तो यहाँ पर थोड़ा सा लिया है अर्पण के। हाय फ्रेंड्स, जोहार, गुड मॉर्निंग, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग हैं कब्रस्तान में, तो हमारा पर्व आने वाला है ईस्टर। ईस्टर आने के पहले हम लोग कब्रों की सफाई करते हैं, तभी हम लोग कब्र साफ़ करने के लिए आए हैं। उस तरफ हमारा कब्र है, तभी हम लोग यहाँ से पानी ले करके जाएंगे और कब्र को साफ करेंगे। कब्र को हम लोग साल में एक बार साफ़ करते हैं, तो कब्र के ऊपर घास वगैरह आ जाते हैं, तो उसको अर्पण साफ़ कर रहा है। तब तक मैं कब्र के ऊपर पानी वगैरह छिड़क देती हूँ ताकि प्लास्टर करने में आसानी हो। सब लोग अपने अपने तरीके से कब्र की सफाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग बालू और मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं कब्र साफ़ करने के लिए। अर्पण बहुत मेहनत से कब्र प्लास्टर कर रहा है। हम लोग साल में एक बार ईस्टर के पहले कब्र की सफाई करते हैं और ईस्टर के दिन कब्र में आते हैं और फूल वगैरह चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अर्पण और अर्पण के भैया लगे हुए हैं कब्र को प्लास्टर करने में। कब्र को साफ़ करने के लिए हम लोग मिट्टी और गोबर का इस्तेमाल करते हैं। अर्पण, कैसा लग रहा है कब्र साफ करने में? बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है कि राजमिस्त्री बन गए हैं। राजमिस्त्री के जैसा लग रहा है। हाँ, और आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। साल में एक बार माँ बाप का सेवा करने का मौका मिलता है क्या? काम करते करते थकावट लग गई है, तभी हम लोग आ गए हैं पानी पीने के लिए। यहाँ पर एक चापाकल है, तो इसी से भी हम लोग पानी पियेंगे। लगभग सबका कब्र साफ हो गया है और सभी लोग अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हम लोगों का अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने कब्र को प्लास्टर कर दिया है और अच्छा सेप भी दे दिया है, और जब ये सूख जाएगी तो शाम में हम लोग आएंगे और गोबर से इसकी लिपाई करेंगे। फिर हम लोग शनिवार के दिन आएंगे और इसे व्हाइट कलर से कलर करेंगे, तब ये कब्र और भी सुंदर लगेगा। यहाँ हमारा चार कब्र है और कब्र हमने लगभग साफ कर लिया है। ये वाला जो कब्र है, ये मेरी सासू माँ का है, और ये वाला मेरे ससुर बाबा का कब्र है, और ये बड़े पापा का, और इधर जो है ये वाला बड़ी मम्मी का कब्र है। और हम लोगों के कब्र के बगल में ये दीदी लोग का कब्र है। तो यहाँ पर दीदी लोग का चार कब्र है ना दीदी? अच्छा, ये दीदी लोग का यहाँ तीन कब्र है। तो दीदी भी यहाँ पर कब्र साफ करने में लगी हुई है। तो ये देखिए, कब्र की लिपाई कर रही है गोबर से। और दीदी, आप लोग तो पहले शुरू किए थे ना? आज का काम हमारा लगभग ख़त्म होने ही वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा साफ सफाई करना है। आलू कुटुम्बा और साथ में कुंदरी। तो आलू कुटुम्बा और कुंदरी को हम लोग मिक्स करके आज भुजिया बनाने वाले हैं। आज है होली और हमारे यहाँ भी काफ़ी धूमधाम से होली मनाया जा रहा है, तो आप लोगों को मेरी ओर से हैप्पी होली। अभी शाम हो गई है और आज होली है, तो अभी हम लोगों को जाना है दो जगह। रंजीत भैया के यहाँ जाना है और भाभी लोग के यहाँ भी जाना है। तो पहले हम लोग रंजीत भैया लोग के यहाँ जाएंगे और अभी हम लोग खूब इंजॉय करने वाले हैं। तो ये है रंजीत भैया जिनके यहाँ हम लोग आए हैं, और इधर अनमोल भैया पहले से पहले पहुँच गए थे क्या भैया? तो लेट हो गए हैं। और ये संगीता जी, इन्हें हम लोग आए हुए हैं। हैप्पी होली। तो इधर भी अब होली मन रहा है। और इधर अनमोल भैया खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं भैया? दही बड़ा। और अभी हम लोगों के सामने में आ गया है होली का स्पेशल पकवान, तभी हम लोग खाते हैं। और वैसे संगीता दी काफी अच्छा खाना बनाती है, तभी हम लोग खा लेते हैं। कैसा है खाना बताइए?
अच्छा है ना, बहुत टेस्टी। मैं भी खा के बताऊंगी अभी, पहले खा लेती हूँ फिर आप लोगों को बताऊंगी। रंग बिरंग के कलरों के साथ में होली का त्यौहार काफ़ी खुशियाँ लेकर के आता है, और इसमें बड़े तो खुश होते ही हैं, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे एंजॉय करते हैं। हर टोली मोहल्ले में बच्चे डीजे की व्यवस्था करते हैं, और आज के दिन चारों ओर डीजे की धुन सुनाई देती है, और डीजे की धुन पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अभी रात हो गई है और अजीत भैया लोग यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, और अभी एक भैया भाभी हैं उनके यहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। फाइनली हम लोग भैया लोग यहाँ पहुँच गए, अब अंदर चल के देखते हैं भैया भाभी क्या कर रहे हैं। हैप्पी होली दादा। तो ये है मेरे भैया जिनके यहाँ हम लोग आए हुए हैं, अभी चल रहे हैं अंदर। चलिए सब ढाबा के होली मनावा। ओ बाबू ना, हाँ किनारे बैठा। आपको भी हैप्पी होली। अभी हम लोग रंजीत भैया के यहाँ से खाना खा चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद फिर से हम लोग खाना खा रहे हैं। आज भाभी भी आज काफी टेस्टी चीजें बनाई हैं, काफी टेस्टी पकवान है यहाँ। तो आज यहाँ बना है चिकन दाल दुस्का गुलाब जामुन और यह है नीमकी। तो इतना अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बना है, अभी हम लोग खा लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। हैप्पी होली। अच्छे से लगाइए भाभी को। ऐसे कैसे पता चलेगा ना होली है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली भाभी बोलो। हाँ इधर भी हैप्पी होली कर दो, कलर लगा दो। हम सबों की ओर से आप लोगों को हैप्पी होली। आज का दिन काफी अच्छा रहा, आज दिन भर हम लोग काफी ज्यादा व्यस्त रहे, और होली भी हमने काफी अच्छे तरीके से मनाया और सबसे मिलकर के काफी अच्छा लगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।